नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के बारे में जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आपको और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट हो वो बता सकें। आपका कोई सा भी किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे RSCIT हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें आप आसानी से पास कर सकते हैं। ये जो हमारी वीडियोज हैं उसमें वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं और लगभग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? इसमें इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबोव, उपरोक्त सभी, जैसे ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, कच्चे तथ्य जैसे अक्षर, शब्द, ध्वनि, चित्र आदि को क्या कहते हैं? इसका आंसर आएगा सी, डेटा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है जावा, चौथा है इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से प्रारूप का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला है बाइनरी, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। तो इसका आंसर आएगा ए, बाइनरी। में 5th क्वेश्चन, नीचे में कंप्यूटर की सीमा क्या है? पहला है स्पीड, दूसरा है विजडम, तीसरा है फंक्शनलिटी, चौथा है एक्यूरेसी। इसका आंसर आएगा बी, विजडम यानी बुद्धि। प्रश्न नंबर 6, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा की भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जिसमें पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है पाम टॉप कंप्यूटर, चौथा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा बी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, तापमान, दबाव, गति आदि के आधार पर कंप्यूटर है, इसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है ए एंड बी बोथ, चौथा है नन। इसका आंसर आएगा एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, जिसमें पहला है प्लॉटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा प्लॉटर, ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं? इसमें पहला है इंटरनेट, दूसरा है वेब टेक्नोलॉजी, तीसरा है मोबाइल, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव, डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है Windows 7, तीसरा है ओरेकल और जावा और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा Windows 7। अगला क्वेश्चन है, विशेष कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला है फॉर कैलकुलेशन, दूसरा फॉर डिजाइन वर्क, तीसरा है फॉर पब्लिकेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर जो एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है, पहला है मैट्रिक्स कंप्यूटर, दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर, चौथा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा ए, मैट्रिक्स कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आकार, भंडारण और क्षमता के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं, जिसमें पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। अगला प्रश्न
प्रश्न है, निम्नलिखित एक माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है, जिसमें पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है पीडीए या स्मार्टफोन, चौथा है ऑल ऑफ अबो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो, डी। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें, जिसमें पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा बी, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार कौन सा है, जिसमें सबसे पहला है IBM Sequoia इन USA, दूसरा है Fujitsu के इन जापान, तीसरा है परम इन इंडिया, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न, 1964 में पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, जिसमें पहला है CDC 6600, बी है NUDWT IANHE 2, सी है परम 8000, डी है IBM Sequoia। इसका आंसर आएगा CDC 600, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक और उपग्रह उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है ऑल द अबो। इसका आंसर आएगा सी, मिनी कंप्यूटर। मित्रों, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर का राइट साइड में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बेल का ऑप्शन दिखाई देगा, बेल के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाली और भी वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिल सके। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकलन कंप्यूटर हार्डवेयर पोर्ट को चलाता है और चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में अन्य सॉफ्टवेयर को बनाए रखता है, इसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड है जावा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन कौन सा मेन फ्रेम का प्रकार नहीं है, जिसमें पहला है Fujitsu ICL WME, दूसरा है Hitachi Z100 और तीसरा है परम 6000 और चौथा है डी। इसका आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मिनी कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, जिसमें पहला है K202, दूसरा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, तीसरा है SDS-92 और चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सही कथन का चयन करें, पहला है सॉफ्टवेयर एक या अधिक कार्यक्रमों का एक समूह है, दूसरा है विंडो यूनिक्स लिनक्स एंड्रॉइड मैक ओएस के उदाहरण है, तीसरा है मदरबोर्ड प्रोसेसर मेमोरी प्रोसेसिंग डिवाइसेस के उदाहरण है, चौथा है ऑल इज ट्रू। इसका आंसर आएगा डी, ऑल इज ट्रू या ऑल द अबो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है वेब सर्वर, चौथा है ऑल ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है,
जिसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा है वर्ड प्रोसेसर डेटाबेस सिस्टम और चौथा है उपयोगिता उपकरण। इसका आंसर आएगा सी वर्ड प्रोसेसर डेटाबेस सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है, जिसमें पहला है विविधता, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है स्पीड और चौथा है सोचने की क्षमता। इसका आंसर आएगा सोचने की क्षमता डी। अगला प्रश्न है एक यूनिकोड है जिसमें पहला है फॉन्ट स्टाइल, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, चौथा है कीबोर्ड लेआउट। इसका आंसर आएगा सी। मित्रों अब अगला प्रश्न हार्डवेयर कौन सा है, पहला है मॉनिटर कीबोर्ड माउस मदरबोर्ड, दूसरा है हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क मेमोरी चिप सीडी रोम, तीसरा है प्रिंटर स्कैनर स्पीकर मॉडेम और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अब एक दिन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान मनोरंजन, दूसरा है प्रशासन परिवहन रेलवे बैंक गृह, तीसरा है संचार व्यवसाय और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फाइल अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी एकत्र करने वाली फाइलें कहलाती हैं वेब फाइल कुकीज वेबसाइट टेम्पलेट। इसका आंसर आएगा कुकीज बी। अब अगला प्रश्न है मुख्य सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं, पहला है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, दूसरा है रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, तीसरा है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, चौथा है एएलयू एंड बस। इसका आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू सी। अब अगला प्रश्न हार्ड डिस्क ट्रैक में है, पहला है आउटवर्ड, दूसरा है इनवर्ड, तीसरा है फुल बेस ऑन मशीन, चौथा है नन ऑफ द अबो। इसका आंसर आएगा ए आउटवर्ड। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है, जिसमें पहला है IBM, दूसरा है फोजिस्तु, तीसरा है डेल लेटिट्यूड और चौथा है परम सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर आएगा डेल लेटिट्यूड सी। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित नहीं है, जिसमें पहला है ड्यूल कोर, दूसरा है i7, तीसरा है सेलेरॉन और चौथा है एंड्रॉइड। इसका आंसर आएगा एंड्रॉइड डी। अगला प्रश्न कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बिल बेट्स, चार्ली बेबेज, लैरी पेज और लेडी लारा। इसमें आएगा चार्ल्स बेबेज बी। अगला प्रश्न कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में किया जाता है, सोशल मीडिया ईमेल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, दूसरा है बच्चों के स्कूल से संबंधित होमवर्क प्रोजेक्ट कार्य के लिए, तीसरा है मनोरंजन ज्ञान व खेल के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अब अगला वो आए और आपके नंबर बढ़ने में आपको सहायता मिले, उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।